हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइटोसिस समसूत्री विभाजन के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में जानेंगे कि समसूत्री विभाजन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो एक प्रकार का ये कोशिका विभाजन है, और ये कोशिका विभाजन किस लिए होता है? या तो यूकेरियोट जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके ग्रोथ के लिए, या कुछ ऑर्गेनिज्म जो यूकेरियोट ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री का मतलब है जिसमें गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, ये समसूत्री विभाजन कहलाता है। हिस्ट्री के बारे में हम जान लें पहले कि रुडोल्फ विर्चुअ ही था जिसने सर्वप्रथम 1855 में कहा था कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से ही जन्म लेती हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, एवरी सेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए सेल। ये उन्होंने फर्स्ट मतलब फर्स्ट रिकॉग्नाइज ल्यूकेमिया इन मिडनाइट, बिलीव दैट डिजीज वाज कॉज्ड बाय ब्रेकडाउन विद इन द सेल एंड नॉट फ्रॉम एन इन्वेजन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म, उसी के द्वारा थी। इसके बाद लुई पाश्चर ने प्रूव किया कि विर्चुअ टू बी करेक्ट इन लेट 80s। विर्चुअ की बात को लुईस पाश्चर ने करेक्ट किया। देन विर्चुअ अंडरस्टैंडिंग दैट कैंसर सेल स्टार्ट आउट नॉर्मल एंड देन बिकम एबनॉर्मल इज स्टिल यूज टूडे। इफ कैंसर इज द स्टेडी ऑफ एबनॉर्मल सेल डिविजन, लेट्स लुक एट नॉर्मल सेल डिविजन। ठीक है, कैंसर में क्या होता है? एबनॉर्मल सेल डिविजन होने लग जाता है, और हमें केवल The types of normal cell division. There are two types of normal cell division, mitosis or meiosis. कोशिका विभाजन होती है, और सेल थ्योरी हमारी कहती है कि कोई भी कोशिका है वो पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। इसका मतलब एक कोशिका डिवाइड होगी और दो कोशिका में डिवाइड होगी, दो कोशिका का उत्पन्न करेगी, दोनों पुत्री डॉटर सेल्स कहलाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है और लगातार चलता रहता है यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में इस तरह से डिवाइड होना बाइनरी फिशन कहता है, ये उनका एक प्रजनन का तरीका हो सकता है। लेकिन यूकेरियोट में ये कोशिका अपने आप को ग्रो करती है, बढ़ोतरी करती है, और पुरानी कोशिका नष्ट होती है, नई कोशिका बनती है। सेल डिवीजन दो प्रकार का है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन विच बिगिन इन द फर्टिलाइज एग स्टेज एंड कंटिन्यूस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन वन वे और अनदर। जब से जाइगोट से ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है उसके बाद से उन कोशिकाओं में लगातार समसूत्री विभाजन होता रहता है, और ईच डिप्लोइड टू एंड डोटल सेल्स जो बनती है इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द डिप्लोइड पेरेंटल सेल्स, उसके समान ही होती है, पेरेंटल सेल्स के समान ही होती है। ठीक है ना, गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, वो कोशिका डिवाइड होती रहती है, एक कोशिका से दो कोशिका बनी, इसको कहते हैं समसूत्री। समान सूत्र का बनना, समान गुणसूत्र का रहना समसूत्री विभाजन। मियोसिस इज सेल डिवीजन इन द ओवरीज ऑफ द फीमेल एंड टेस्टिस ऑफ मेल। ठीक है ना, दोनों गोनाड्स जो हैं उनमें ये होगा, एंड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एग एंड स्पर्म सेल्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओवरीज में जो ओवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल में, उसमें मियोसिस होगा अर्धसूत्री विभाजन, और इस प्रकार से टेस्टिस जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें मियोसिस होगा और वो बनाएंगे स्पर्म सेल्स। जब एग और स्पर्म्स का बनना, ये हमारे मियोसिस के द्वारा होगा रेस्पेक्टिव। ईच डिप्लोइड टू एंड पेरेंट सेल्स प्रोड्यूस हैप्लोइड डॉटर सेल्स, ये हैप्लोइड बनेंगे, दोनों गोनाड से जो बनने हैं तो हैप्लोइड सेल्स बनेंगे दोनों, मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। मियोसिस विल बी डिस्कस्ड अगले इसमें चैप्टर में, इसको डिस्कस करेंगे। वाल्डर फ्लेमिंग जो है इसका ये काल था 1905 तक, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन 1882 एंड कॉइन द वर्ड माइटोसिस। माइटोसिस जो टर्म्स से समसूत्री विभाजन की ये फ्लेमिंग ने दी थी 1882 में। आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ड क्रोमोसोम्स इसने दिया था, विच इज ही फर्स्ट रेफर टू एज ए स्टैंड स्ट्रेंड। फ्लेमिंग को
क्रोमोसोम्स नाम, क्योंकि क्रोमा मतलब कुछ स्टेन ले लेता है, उसके आधार पर क्रोमोसोम नाम दिया था फ्लेमिंग ने, और माइटोसिस सब नाम भी इसने दिया। कोवर्कर वर्कर है एडवर्ड स्ट्रेस वर्कर, नेम दी माइटोटिक स्टेज। इसके साथ का जो स्ट्रेस वर्कर था उन्होंने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये नाम 1884 में, ये इन अवस्थाओं के नाम उसने दिए थे। इस प्रकार से ये हिस्ट्री है उसकी। अब देख लें कि माइटोसिस क्या है। फ्लेमिंग ने अपनी बुक में लिखा था सेल्फ सब्सटेंस न्यूक्लियस एंड सेल डिवीजन बुक थी, इलस्ट्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ये 1882 में इनकी बुक का है। कि इस प्रकार से उन्होंने इस पर ये दिखाया था क्रोमोसोम्स किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से ये बने, उनके जो डायग्राम देखने हुए हैं, हो सकता है ये मेटाफेज से, ये एनाफेज की, और इस प्रकार से ये टेलोफेज की, और दो पुत्री कोशिका बनना, इस प्रकार के डायग्राम उन्होंने उस बुक में दिए। दैट इज अ माइटोसिस। ये रेस्टिंग फेज हो सकती है, और फिर उसके बाद की आज की अवस्था है, जिनको इन अवस्थाओं को बार बार उसने नाम दिया गया वर्णन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। ये ऐसा नहीं कि एक अवस्था को दूसरी अवस्था प्रोसेस का मेटाफेज रुक जाएगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी, और अवस्थाओं को अपन अध्ययन की दृष्टि से ये नाम दिए गए। इसमें डीएनए रिप्लिकेशन भी होगा और सेल डिवीजन होगा। कोई भी डिप्लोइड पेरेंट सेल से उसमें सबसे पहले डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, ठीक है ना। डीएनए डबल डबल संख्या में होगी, क्योंकि आने वाले समय में ये संख्या समान रखने के लिए इसका आधा पार्ट जाता है, तो संख्या समान रहती है लेकिन क्रोमोसोम्स आधा जाता है, ठीक है। जैसे डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, ये आधा होने के कारण यहाँ डबल हो गया, डीएनए का रिप्लिकेशन हो गया, डीएनए डबल हो गया। अब ये गुणसूत्र दो क्रोमेटिड्स हो जाएंगी, ये चार क्रोमेटिड्स हो गए, तो ये दो दो क्रोमेटिड्स अलग अलग उसमें जाएंगी, और ये अलग अलग पोल्स पे चली जाती हैं, इसी को हम माइटोसिस कहते हैं, ये डिवीजन। फिर ये बीच में से मध्य में से कट जाएगी कैरियोकाइनेसिस, और ये दो बन जाना रिजल्ट टू डिप्लोइड सेल्स आइडेंटिकल टू दी पेरेंट सेल्स, ये माइटोसिस कहलाता है, सेल डिवीजन। और माइटोसिस क्यों होता है? माइटोसिस एग्जैक्ट न्यूक्लियर डिवीजन है। द डीएनए इन द पेरेंट सेल इज कॉपीड एग्जैक्टली एंड देन द सेल न्यूक्लियस डिवाइड एग्जैक्टली, सो ईच ऑफ द टू टोटल सेल्स हैज द सेम काइंड एंड नंबर ऑफ जेनेटिक बेस पेयर अरेंज इन क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, उसी प्रकार से रहते हैं। और ये एक नेसेसरी प्रोसेस है, क्योंकि रीच ए सरफेस एरिया, क्योंकि उसका एक व्हेन सेल रीच ए सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो दैट इज टू स्मॉल रिलेटिव टू द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इन टू द सेल, एंड दस द न्यूट्रिशनल डिमांड्स ऑफ द सेल कैन नॉट बी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई माइटोसिस क्यों होता है, क्योंकि इसका जिस प्रकार से सेल ग्रोथ करती है उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो जो है उस हिसाब से वो बढ़ जाता है, और फिर उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाने हैं वो जाना रुक जाते हैं, डिफ्यूजन होना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो उन कोशिका को बढ़ाते हैं, उस कोशिका का डिवीजन होता है, फिर उसका उसके बाद दोबारा उसमें ग्रो होती है, रेशो फिर उसमें चेंज होता है। इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस द सेल अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म टू आइडेंटिकल, दो प्रकार की होंगी, दोनों समान होंगी लेकिन स्मॉलर सेल्स होंगी, विच इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, अब ये अपने सर्फेस एरिया को बढ़ाएंगी, एंड दस द रेट ऑफ डिफ्यूजन कैन मीट द न्यूट्रिशन डिमांड ऑफ द एंटायर सेल, तब ये अपना न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये माइटोसिस संशोधित विभाजन कोशिका करती रहती है और एनिमल की ग्रोथ होती रहती है। अब हम देखते हैं कि द स्टेज ऑफ इंटरफेस एंड सेल डिवीजन क्या क्या स्टेज है। पहले हम सबसे पहले स्टेज आती है सेल ग्रोथ करेगी एंड जीवन फेज, इंटरफेज जीवन फेज, ये इंटरफेज अवस्था है जिसमें सेल ग्रो करती है, सेल धीरे 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 के अपने आप को ग्रो करेगी। जब एक स्टेज पर पहुंच जाएगी तो अब इसके बाद इसके अंदर डीएनए का सिंथेसिस होगा, ये सिंथेसिस फेज कहलाती है। डीएनए का सिंथेसिस होना है, तो डीएनए का सिंथेसिस मतलब डुप्लीकेशन होगा, डीएनए बढ़ेगा, तो डीएनए के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह बनने हैं वो सब ग्रोथ फेज में बनेंगे, ठीक है, सेल ग्रोथ में। तो जीवन फेज में बने, उसके बाद ये निकलेंगे। अब डीएनए का सिंथेसिस हो गया तो अब इस कोशिका को आगे डिवाइड होना है, सबसे पहले डीएनए के लिए, फिर एक और गैप फेज आ जाती है, ग्रोथ फेज आ जाती है। यहाँ आके अब चूंकि सेल डिवाइड होगी तो उसके लिए जितने भी प्रोटीन्स का है, जितने भी साइटोप्लाज्म पदार्थ हैं, न्यूक्लियर प्लाज्म में मटेरियल, उन सब की अभिवृद्धि होगी इसमें, ये सारा, क्योंकि अब कोशिका डिवाइड होना है, दोनों बराबर बराबर आधा आधा जाना है, इसलिए ये ग्रोथ। तो पहले जीवन फेज,
डीएनए सिंथेसिस के लिए मेटेरियल के लिए, और जी2 फेज इस आगे के डिवीजन के लिए तैयार होने वाली फेज है। तो ये पूरी इंटरफेज है जिसे हम रेस्टिंग फेज हैं, लेकिन रेस्टिंग फेज नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है जिसमें ये। तो G1, S और G2 फेज। अब इस G2 फेज के बाद M फेज आती है जिसे माइटोटिक फेज कहते हैं, जिसमें माइटोसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा। माइटोसिस जिसमें क्रोमोसोम्स का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और साइटोकाइनेसिस जिसमें सेल दो में डिवाइड हो जाएगी, दो डॉटर सेल्स बनाएगी, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। ये M फेज, केवल इतना ही समय M फेज में लगता है, बाकी का इस फेज में लग जाता है इतना समय। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस, जैसे ही दो को डॉटर सेल्स बनेंगी वो पुनः दोनों डॉटर सेल्स इस G1 फेज में पहुंच जाएंगे और आगे की डिवाइड के लिए प्रोसेस करेंगे। जब तक ये चेकपॉइंट कोई रेगुलेशन नहीं होगा तब तक ये डिवीजन चलता रहेगा। माइटोटिस, माइटोसिस ये साइकिल है कि कोई भी कोशिका, जैसे हमने डिवाइड की दो कोशिका, तो एक कोशिका, दोनों कोशिका सिमिलर होगा कि ये इंटरफेज में गई, इंटरफेज अवस्था है, साइकिल स्टार्ट हो गई, इंटरफेज अवस्था, इंटरफेज अवस्था से इंटरफेज जीवन स्टेज आ गई, जीवन से सिंथेटिक फेज आएगी, गुणसूत्र की संख्या बढ़ दी, डबल होंगे गुणसूत्र, सिंगल थे ये डबल हो जाएंगे सिंथेसिस। फिर G2 फेज, ठीक है ना, अब ये तैयारी करें डिवीजन के लिए, सेंट्रोस वगैरह चलेंगे, प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट इंटरफेज G2 आ गई, फिर ये प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आके डिवाइड होकर ये साइटोकाइनेसिस और G0 में चली जाएगी। ये तो सेल इस आ गया, या सेल इसे इसमें जिसमें डिवीजन नहीं होना वो G0 में सेल चलाएगी। G0 मतलब आज सेल का डिवीजन नहीं होगा, और जो सेल का डिवीजन होगा वो डिवीजन होता है, ये माइटोटिक सेल डिवीजन है। प्रोफेज बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है, इसके माइटोटिक सेल डिवीजन की अवस्थाओं को हम अलग वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे, यहाँ केवल हिस्ट्री और इंट्रोडक्टरी आपको बता रहे हैं। तो इसी में प्रोसेस में प्रोफेज जो माइटोसिस की फर्स्ट स्टेज है उसके बारे में, कि प्रोफेज अवस्था में क्या रहता है, कि इस डायग्रामेटिक में कि सेल मेम्ब्रेन है और ये क्रोमेटिड्स पेयर्स हैं, ये क्रोमेटिड्स हैं दोनों, जिनको क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, दो क्रोमेटिड्स पेयर दोनों के, ये इस तरीके ये अलग अलग होंगे। ये एस्टर बॉन्ड है, इसमें अंदर फाइबर माइक्रोट्यूबल्स बने हुए हैं, और इधर भी एस्टर माइक्रोट्यूबल्स हैं, इसमें ये दोनों इन इनके द्वारा जुड़ेंगे। और ये सेंट्रोसोम से कंटेनिंग सेंट्रोल पेयर है, द सेंट्रोस दैट डिवाइडेड इन G2 नाउ हैज टू कॉपीज एंड इज माइग्रेट टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, ये दोनों स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। इन दोनों का जो सेंट्रोमियर से बीच में सेंट्रोमियर विद काइनेटोकोर ऑन आइदर साइड वेयर द स्पिंडल फाइबर विल अटैच, यहाँ स्पिंडल फाइबर इन दोनों से अटैच होंगे और इनको इधर वाला इधर और इधर वाला इधर लेके आएगा, किस प्रकार से ये अलग अलग डिविजन हो जाएगा। ये एक क्रोमोसोम है जिसके ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, चार क्रोमेटिड्स वाला क्रोमोसोम जो डिवीजन में जाएगा, ये काइनेटोकोर जो बन रहा है जिसमें सेंट्रोमेरिक रीजन है, सेंट्रोमेरिक स्पिंडल माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूबल्स होंगे, दैट इज अ काइनेटोकोर, ये स्पिंडल फाइबर से जॉइंट होंगे और ये यहाँ से डिवाइड होके ये अलग और ये अलग अलग पोल्स पे जाएगा। ये जब किसी भी सेल डिवीजन हम देखते हैं तो ये अवस्था इस तरह से दिखाई देती हैं कि जैसे प्याज की झिल्ली में भी अगर हम देखें तो ये सामान्य अवस्था देखें, एक ही डायग्राम में सारी अवस्था माइटोसिस की दिखाई गई है। ये और रिपीट करेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सभी कोशिका एक साथ नहीं, अलग अलग समय पर अलग अलग रूप से डिवाइड रहती हैं। ज़्यादातर जैसे ये इंटरफेज अवस्था है, ये कोशिका इंटरफेज अवस्था में है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही ये प्रारंभ होगा तो ये जैसे ये प्रोफेज अवस्था में, ये प्रोफेज अवस्था में आगे इस तरह से दिख सकते हैं, इस तरह से प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र वगैरह देखिए। फिर जब ये मेटाप्लेट बना लेते हैं तो ये मेटाफेज अवस्था देखने को मिल जाती है उसी कोशिका में, दूसरी किसी कोशिका में ये एनाफेज अवस्था होगी, ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो एनाफेज अवस्था होगी। एनाफेज के बाद फिर ये टीलोफेज होगी कि दोनों पोल पर गुणसूत्र इकट्ठे हो गए और ये यहाँ से अब ये डिवाइड होगी, तो ये दो कोशिका में ये जैसे ये कोशिका दो में डिवाइड हो गई ये प्रोफेज है, तो अलग अलग इस प्रकार से ये कोशिका दो में डिवाइड होगी अलग अलग होगी, तो इस प्रकार से ये डिवाइड होगी एक ही उसमें अलग अलग समय पर कोशिका लगातार विभाजन चलता रहेगा। ये एक सामान्य तौर पर माइटोसिस के बारे में बताया, डिटेल माइटोसिस का कितना कैसा प्रोसेस है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। ओके, थैंक यू।